नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का सीन अब एकदम रोमांचक हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, चाय में मिठास तो चुनाव में थोड़ा मसाला तो होना ही चाहिए। तो इस बार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जंग किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। सर्वे कहते हैं कि ये चुनाव अब तक के सबसे नजदीकी चुनावों में से एक हो सकते हैं। सबकी नजरें इस बात टिकी है कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका में कौन होगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। वोटिंग चल रही है, नतीजे आने में वक्त लगेगा। जल्दी का काम शैतान का, इसीलिए एग्जिट पोल के जरिए कुछ समय में पता और अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिर कौन आगे चल रहा है। एग्जिट पोल सिर्फ उन्हीं राज्यों के नतीजे दिखाएंगे जहां जीत का अंतर ज्यादा हो, और नतीजे कभी भी पलट सकते हैं। तो ट्रंप और कमला की जीत का ऐलान अभी जल्दी तो नहीं होने वाला। चुनाव विश्लेषक अलग अलग आंकड़ों के अंदाज पर ही अंदाजा लगाएंगे कि आखिर कौन जीता कौन हारा। 2000 में जब अल गोर और जॉर्ज बुश के बीच मुकाबला था तो वोटों की गिनती फ्लोरिडा में इतनी नजदीक थी कि नतीजे आते आते 12 दिसंबर तक जा पहुंचे थे। अच्छे काम का इंतजार करना खराब नहीं होता। इस बार नतीजे जल्दी तो घोषित हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा जनवरी में ही होगी। राज्यों को नतीजों को प्रमाणित करना पड़ेगा, उसके बाद 6 जनवरी 2025 को वोटों की गिनती होगी और तब जाकर आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। पिछली बार 2021 में इसी प्रक्रिया के दौरान ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल पर हमला कर दिया था। गहरे अंधेरे के बाद ही सुबह का उजाला होता है, इसीलिए इस बार तस्वीर बदल सकती है। तो अभी के लिए सिर्फ इंतजार ही है क्या होगा अगला कदम। इस सवाल का जवाब जल्दी मिलेगा, लेकिन शायद थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर बात और सवाल ये हो कि कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए आखिर कौन बेहतर होगा, तो फिर सोचना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्यूनिंग अच्छी है और इसका फायदा आर्थिक नीतियों में मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस को उदारवादी और यथास्थितिवादी माना जाता है। वो भारतवंशी जरूर है, लेकिन उनका रुख हमेशा भारत के प्रति सख्त रहा है। फिलहाल कौन भारत के लिए फायदेमंद और कौन भारत के लिए नुकसानदेह होगा, इसका फैसला तो जनवरी में ही होगा, लेकिन अभी कुछ समय बाद ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।